हाय फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मैकडाउन के न्यू एपिसोड के बारे में। आज के शो में मैट रिडल किंग कॉर्बिन से बढ़ते दिखाई दिए, वहीं एजे स्टाइल और ड्रू गुलक के बीच अच्छा मैच दिखा, और क्या क्या दिखा आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में, कैसा रहा पूरा शो, सबको कवर करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत मैट रिडल से होती है, जिनका इंटरव्यू माइकल कोल ने लिया। कोल ने कहा कि तुमने फ्राइडे को अपने फैंस को दिखा दिया कि तुम क्या हो। मैट रिडल कहते हैं कि स्मैकडाउन की रैंप पर चल के आना और रिंग में एंटर होना काफी बड़ा ड्रीम है। अब मैट रिडल हर बात में ब्रो ब्रो कर रहे थे। कोल ने मैट रिडल से पूछा कि तुम नंगे पैर रिंग में रेसलिंग क्यों करते हो, तो मैट रिडल ने कहा कि जब मैं छोटा था और मेरे पैर बहुत ठंडे रहते थे, और इसी वजह से मैं जब भी शूज पहनता था तो मेरे पैरों में जलन होती थी। तभी किंग कॉर्बिन आके इंटरप्ट करते हैं, और कॉर्बिन कहते हैं कि मैट रिडल की कहानी में रिडल एक बेवकूफ बच्चा है और अभी भी एक बेवकूफी है। किंग कॉर्बिन इसके बाद माइकल कोल को रिंग से चलता कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसे इंसान को तुम टाइम क्यों दे रहे हो। इसके बाद किंग कॉर्बिन मैट रिडल को लास्ट वीक जेफ हार्डी ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ मिलकर मारने को लेकर की बात को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि मैं किंग हूं और तुम्हें मेरे सामने घुटनों पर बैठना चाहिए, और हाँ, स्मैकडाउन में कोई भी तुम्हें रोस्टर में देखना नहीं चाहता था। मैट रिडल कॉर्बिन से लड़ने को रेडी होते हैं, बट कॉर्बिन कहते हैं कि आज की रात मैं तो नहीं, बट हाँ। तभी मॉरिसन की एंट्री होती है और फिर हमें मैट रिडल वर्सेस जॉन मॉरिसन के बीच मैच दिखा। तभी मैट रिडल अपनी स्टाइल में रिंग से कॉर्बिन की तरफ चप्पल उड़ाते हैं। बेल बजते ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और हावी होने के लिए शुरू में काफी दांव पेच लगाते हैं। तभी जॉन मॉरिसन मैट रिडल के एक पंच जड़ देते हैं। इसके बाद दोनों ने बारी बारी से एक दूसरे पर मूव लगाना शुरू करे। काफी देर जॉन मॉरिसन ने मैच में कंट्रोल बनाए रखा, वहीं मैट रिडल ने कॉर्बिन के गाल पर चप्पल से एक रसीद काट दी। अच्छा मैच जगह इनके बीच, बट जीत मैट रिडल की हुई। रिडल रैंप पर थे तभी पीछे से आके एजे स्टाइल ने उन पर बुरी तरह से अटैक कर दिया, और फिर ड्रू गुलक की एंट्री हुई और उन्होंने आके एजे स्टाइल पर अटैक करा। रेफरी वगैरह ने इन सभी को अलग कराया, और इसके तुरंत बाद ही हमें एजे स्टाइल वर्सेस ड्रू गुलक के बीच मैच दिखा। शुरू में ही एजे स्टाइल ने अच्छा प्रेशर ड्रू गुलक पर बना लिया और काफी देर तक ड्रू गुलक स्ट्रगल ही करते नजर आए इस मैच में। अब एजे स्टाइल ने ड्रू गुलक के पैर को टारगेट करके तबीयत से उसमें मार दी। ड्रू गुलक ने बीच बीच में पलटवार की कोशिश करी, बट कुछ वो कर नहीं पाए। एंड में एजे स्टाइल ने अपने मूव देके मैच को जीत लिया। नेक्स्ट हमें बेली और शाशा बैंक्स दिखाई दी। दोनों ने आके कहा कि लॉकर रूम में कोई भी हमारी परवाह नहीं करता है, बट अंडरटेकर हमारी रेस्पेक्ट करते हैं। हालांकि हम टेकर से प्यार करते हैं, बट वो अब यहाँ से चले गए हैं और अब टाइम है उनको ट्रिब्यूट देने का। इन दोनों की ट्रिब्यूट में खुद से जुड़ी बढ़ाइयाँ और अच्छी क्लिप्स को चलाया गया, जिसमें दोनों ने जताया कि दोनों कितनी महान है। इसके बाद अलेक्सा ब्लिस और निक्की क्रॉस ने आके इनको इंटरप्ट करा, और दोनों ने क्या क्या हासिल करा उसकी लिस्ट निकाली। तो निक्की ने कहा कि वो स्कॉटलैंड की रानी है, और अलेक्सा ब्लिस ने कहा कि मैं पहली वुमेन हूँ जिसने अंटार्कटिका क्रॉस करा है। इसके बाद बेली बड़ी जोर जोर से हंसती नजर आई। तभी अलेक्सा ब्लिस ने बेली के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद दिया और उनका हंसता हुआ मुंह बंद हो गया। इसके बाद हमें बेली वर्सेज अलेक्सा ब्लिस के बीच मैच दिखा। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों के बीच, जो कि काफी छोटा था। अलेक्सा ब्लिस और बेली ने एक दूसरे पर जमकर हाथ साफ करे, वहीं एंड में बेली रिंग के बाहर खड़ी निक्की क्रॉस को उकसाती हैं, तो निक्की क्रॉस बाहर से एक पंच जड़ देती हैं और रिंग में आके बेली पर अटैक कर देती हैं। इसके बाद मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से बेली जीत लेती हैं। अब हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रे वाइट के बीच एक्सट्रीम रूल्स द हॉरर शो पीपीवी में होने वाले मैच के लिए प्रोमो दिखाया गया। इसके बाद हमें कॉफी किंगस्टन वर्सेस नाकामुरा के बीच मैच दिखा। रिंग साइड सेजारो और बिगी भी मौजूद थे। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। दोनों ने ही जमकर अपने अपोनेंट्स पर जबरदस्त मूव लगाए और जीत इस मैच में नाकामुरा की हुई। मैच के बाद नाकामुरा और सेजारो कॉफी किंगस्टन को टेबल पर मारना चाह रहे थे, बट बिगी ने आके उनको सेव करा। अब मेन इवेंट में हमें शेमस और जेफ हार्डी के बीच सेगमेंट दिखाई दिया, बट शेमस सैटेलाइट के जरिए जुड़े हुए थे और जेफ हार्डी रिंग में थे। वहीं रिंग में मिनी बार सजा हुआ था जहाँ काफी सारी बॉटल्स रखी हुई थी। शेमस कहते हैं कि जेफ हार्डी की लत उसे काफी आगे कर दिया है और इससे उसका काम अफेक्ट हो रहा है, बट मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया है जो कि रिंग में रखी सभी बॉटल में से किसी एक बॉटल में है। वही बारटेंडर जेफ हार्डी को एक ड्रिंक देता है, जिसमें जेफ हार्डी पानी डाल के उस बारटेंडर के ऊपर ही डाल देते हैं और उसके सर पर एक जोरदार बोतल फोड़ देते हैं। इसके बाद जेफ हार्डी उसमें काफी मार देते हैं और साउंड टर्म बम देकर इस सेगमेंट को एंड करते हैं, और यही शो खत्म हो जाता है। आज का स्मैकडाउन का एपिसोड बहुत ज्यादा छोटा था, काफी सिलेक्टेड चीजें देखने को मिली इस एपिसोड में। वहीं बहुत सारे स्टार्स को आज दिखाई नहीं दिए। वहीं उम्मीद थी कि शेमस और जेफ हार्डी इस एपिसोड में आमने सामने आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उल्टा जेफ हार्डी ने बारटेंडर में और जबरदस्त मार दी। वैसे आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।